बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अभी आते नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज टुडे, मैं के सिद्धार्थ, आप लोग बने रहिए वीआईपी न्यूज टुडे के साथ में। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है, किसी परिचय की आज के समय में मोहताज नहीं है। बाम सेफ के राष्ट्रीय प्रचारक माननीय अंबिका बिंद, और इस वक्त जो वो ट्रस्ट चला रहे हैं जिसका नाम है मूल निवासी ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका पूरे भारत में डंका बजा हुआ है। आखिर ये मूल निवासी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ऐसा क्या करते हैं कि आज भारत के कोने कोने में, हर शहर हर जिले से लोग इनको जानते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं, उनके बारे में परिचय। सर स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज टुडे पर। सबसे पहले आप बताएं कि आप कैसे हैं। हम पूरी तरह से ठीक हैं और अपने देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करते हैं। अच्छा, ये जो आपका मूल निवासी ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसके माध्यम से आप ऐसा क्या सोशल वर्क करते हैं जिससे लोग आपको इतना चाहते हैं और पूरे भारत में आपकी एक पहचान बनी हुई है? हजारों साल से हमारा समाज जिस आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास को परंपरा के तहत मानते आया, मूल निवासी ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाने का जो हमारा मूल मकसद है, वह उन आडंबर, पाखंड और अंधविश्वासों को दरकिनार करके वैज्ञानिक तर्क, सोच और समझ के आधार पर लोगों को सच्चाइयों से अवगत कराना, और इसके माध्यम से ऐसे मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के सारे ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट के बायोलॉज में निहित है। लेकिन बेसिकली अभी हमारा 3-4 काम पे बहुत तेज़ी से फोकस हो रहा है, जैसे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की प्रतिमाओं को स्थापित करना, और क्षेत्रीय स्तर पर जो हमारे समाज से क्रांतिकारी रहे, वीरांगना रही, संत गुरु रहे, लेकिन उनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं मिलता है, उनके बारे में रिसर्च करना और क्षेत्रीय स्तर पर उनका लोगों से परिचय कराना, और पुनः उसका राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करना। दूसरा जो अभी हमारा एक्टिव मोड पे कार्य चल रहा है कि भारत देश के अंदर जो तथा कथित मनुस्मृति कहती है कि विवाह पद्धति के 8 प्रकार हैं, 1800 स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना किया, तो आर्य समाज की स्थापना करने के बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें भी उन्होंने 8 प्रकार के विवाह पद्धतियों का जो वर्णन किया है, जैसे उसमें दैव विवाह है, पाश्चात्य विवाह है, 50 विवाह है, ब्रह्म विवाह है, ऐसे तमाम विवाह है जो इस देश के मूल निवासी अर्थात श्रमण संस्कृति के मानने वाले लोगों की संस्कृति नहीं है। वह संस्कृति जो भी, चाहे मनुस्मृति में वर्णित पद्धति हो, चाहे सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित पद्धति हो, ये बाहर से आए हुए आर्यों की पद्धतियाँ हैं। और आज वर्तमान समय में पूरे भारत के अंदर जो ये बहुजन समाज है, SC ST OBC के जो लोग हैं, जो पुरोहितों द्वारा अपने घर कर्मकांड करवाते हैं, विवाह पद्धति अपनाते हैं, उन विवाह पद्धतियों में ब्राह्मण जो होता है वह ऐसे अभद्र मंत्र का उच्चारण करता है कि अगर उसी ब्राह्मण से उन मंत्रों का हिंदी में अनुवाद, जिनके घर बहन बेटियों की वो शादी करा रहा है, उनसे उनके सामने ही उसका व्याख्या करवा दीजिए, तो शायद ही भारत का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उस पुरोहित को अपने घर से लाठी डंडे से पीटने का काम ना करे, क्योंकि वो जानता है कि संस्कृत में कहेंगे तो ये गुलाम लोग समझेंगे नहीं, इसलिए वो हमारी बहन बेटियों को सरेआम पब्लिक में गाली देता है, और यहाँ तक वो अपमानित करता है कि मैं कन्या को गर्भधारण करके वर को समर्पित कर दूंगा, ऐसा वो आज भी कहता है। लेकिन इग्नोरेंस में, परंपरा के अधीन गुलाम लोग आज भी
अपने बहन बेटियों की शादियों में इन ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और उन्हीं की संस्कृति के माध्यम से अपनी बहन बेटियों की शादी करवाते हैं, जिसमें पूरी रात भर अपमानित करता है और हमारे पूर्वजों को भी अपमानित करता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति लेना चाहिए। आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड के आधार पे किए जा रहे ये विवाह पद्धति को तुरंत पिछड़े समाज को छोड़ना चाहिए और जो हमारी श्रमण संस्कृति का आदर्श विवाह है, आवाह विवाह है, इसको स्वीकार करना चाहिए और हमें संस्कृति को स्थापित करना चाहिए। जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं मानेंगे, उसको धरातल पर नहीं उतारेंगे, तब तक निरंतर हमारा समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोगों ने दूसरे लोगों की संस्कृति को अपनी संस्कृति मान लिया है। हमारी गुलामी का यही मूल तो देखिए कितने सुनहरे शब्दों में अंबिका बिंद जी ने बताया है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि महिला कितनी शिक्षित है, मैं उसके आधार पर उस परिवार की जो शिक्षा है उसको नापता हूँ। तो जब एक लड़का वयस्क हो जाता है, शादी के लायक हो जाता है, तो उसकी एक लड़की से शादी होती है और अगर महिला उसको अंधविश्वासी मिल जाए तो आने वाले बच्चे भी अंधविश्वास में चले जाते हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक चीज देखी होगी कि पिता अगर शराबी हो उतना घातक नहीं है जितना घातक एक माँ अगर अंधविश्वासी हो, पाखंडवादी हो। पिता कभी भी अपने बच्चों को शराब पीने के लिए फोर्स नहीं करता है, बल नहीं देता है कि बेटा मैं शराब पी रहा हूँ आप लोग भी हो, लेकिन माँ जो होती है अगर वो अंधविश्वासी है तो वो अपने बच्चों को भी पूजा में, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में धकेलने का काम करती है। तो इन सब कुरीतियों से, आडंबरों से, पाखंडवाद से, अंधविश्वास से दूर करने का जो एक बीड़ा उठाए हुए हैं माननीय अंबिका बिंद जी मूल निवासी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, एक बहुत सराहनीय कदम है और हम इसकी सहयोग भी करेंगे और प्रशंसा भी करते हैं और चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं। तो मूल निवासी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से लोग आपसे संपर्क करके शादियाँ वगैरह करा सकते जी हैं। जी शादियां करवाते हैं हम, और हमारे भी जो बौद्धाचार्य हैं, आचार्य हैं, वो उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में नियुक्त हैं और आवश्यकता अनुरूप जैसे जैसे समाज की जागृति बढ़ रही है और वे पाखंड से मुक्ति दिला रहे हैं। इसके अलावा अभी जो ट्रस्ट का काम है मूल रूप से चल रहा है, वह न्यास हित में, ट्रस्ट हित में, समाज हित के लिए जमीन की क्रय और विक्रय करना, जो हमारा एक मैनिफेस्टो भी है, तो उसके तहत अभी हम अपने लोगों को, जो लोग महानगरों में अपने बच्चों को भविष्य में एजुकेशन देने के लिए सोच रहे हैं या आप लोग एजुकेशन दिला रहे हैं, तो हमने भी देखा, जब मैं पढ़ता था तो हमारे कुछ सहपाठी हुआ करते थे जो इलाहाबाद पढ़ते थे। जब मैं इलाहाबाद गया उनके साथ में, तो मैंने देखा कि इलाहाबाद में कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं दिखी हमें जो रेजिडेंशियल हो और जिसमें स्टूडेंट ना रहते हों, क्योंकि वो एजुकेशन की नगरी मानी जाती है इलाहाबाद सिटी। तो इस दृष्टिकोण से अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से महानगरों में एजुकेशन लेने जाता है, और प्रायः आप देखते हैं कि इंटर के बाद हमारे लोग भेजते हैं, इंटर के बाद भेजते हैं तो 2 साल फिर बेसिक तैयार करने में लगता है, फिर 3 साल उसको मुख्य धारा में आने में लगता है, 4-5 साल की तैयारी उसकी केवल मेंटेनेंस और बेस तैयार करने में लग जाता है। और अगर देखा जाए आज के महंगाई के डेट में, तो 5,000 रुपये मंथली से कम किसी एक कमरे का रेंट नहीं है। अगर 5,000 है तो 1 साल का 60,000 रुपये, अब 5 साल का 6×25 यानी 3 लाख रुपए 5 साल का रेंट हो जाता है। उसके बाद पढ़ाई की फीस है, कोचिंग क्लासेस की फीस है, उसके बाद तमाम रहने के खर्च हैं, किताबों के खर्च हैं, फार्म के खर्च हैं। ऐसी समस्याओं से जूझते हुए देखा जाए तो 50% से ज़्यादा कहीं वे जो शहरों में मकान बना लिए हैं उनको रेंट देना पड़ता है। तो हमने सोचा कि अपने लोगों के अंदर एक प्रोत्साहन किया जाए कि जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सेविंग कर रहे हैं हमारे लोग और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीर हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे महानगरों में अपनी इस छोटी छोटी बचत से एक प्लाट ले लें और प्लाट को लेकर के
उसको धीरे धीरे कमरे में रूपांतरित कर दें। इससे क्या होगा कि उनकी पीढ़ियों को दर दर कमरा नहीं ढूंढना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। जितना पैसा वो रेंट में देने में लगाते हैं, उतने में उनकी एजुकेशन सुचारू ढंग से होने लगेगी। तो इस दृष्टिकोण से ट्रस्ट ने अपना एक उद्देश्य रखा कि समाज हित के लिए जमीन का क्रय विक्रय करना और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना, जिसके तहत अभी लखनऊ में हम ऐसे तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं जिन लोगों के द्वारा सस्ते दर पर प्लाट उपलब्ध कराए जाते हैं, और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को हम उसमें भी सस्ता, जितना हो सकता है सस्ते से सस्ते दर पर, लखनऊ जैसे महानगर में जो आने वाले 5 साल के बाद दिल्ली को भी क्रॉस कर जाएगा, और मेरे ख्याल से अगर कुछ ही मामले में लखनऊ पीछे है, और मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले 1 दशक के अंदर उन चीज़ों से वो महरूम रहेगा। आने वाले 1 दशक में लखनऊ नॉर्थ इंडिया का सबसे हाईटेक सिटी होगा, और एजुकेशन भी यहाँ पे बहुत हाईटेक डेवलप हो रही है। इसलिए जो लोग अपने बच्चों को भविष्य में अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, महानगरों में शहरों में पढ़ाना चाहते हैं, उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि वे लोग संपर्क करें, और संपर्क करके सस्ते दर पर आज छोटी छोटी बचत करके एकाध प्लाट ले लें, और उसको ले लेते हैं तो धीरे धीरे उस पे बनवा देंगे, कमरे 2 कमरे हो जाएंगे, तो कुछ रेंट पे दे दें, कुछ अपने बच्चों के लिए पर्सनल व्यक्तिगत रख लें, तो इससे उन बच्चों के भविष्य के लिए, उनके पढ़ने के लिए एक उचित अनुकूल माहौल मिलेगा, इसके अलावा एक उचित अनुकूल स्थान मिलेगा और एक परिवेश बढ़िया होगा, तो उनका भविष्य भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ जो लोग इनकम करते हैं, बचत करते हैं, उनके पास पैसे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, ऐसे भी लोग हमारे समाज के अंदर, तो उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि अगर देखा जाए रियल इस्टेट के एरिया में, तो पूरे भारत का सर्वे रहा है कि जब लॉकडाउन का पीरियड चला तो लॉकडाउन के पीरियड में रियल इस्टेट का जो बिजनेस है ये बहुत डाउन हुआ। भारत के समस्त राज्यों के समस्त महानगरों में रियल इस्टेट की स्थिति बहुत दयनीय रही, लेकिन वहीं अगर लखनऊ के ऊपर हम नज़र उठा के देखें तो लॉकडाउन के समय में भी जो ग्रोथ लखनऊ का रियल इस्टेट में रहा, आज वह ग्रोथ अभी भी अन्य महानगर में नहीं पहुंच पाया है। इसलिए लखनऊ का डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से मुंबई थी तो नवी मुंबई बनी, दिल्ली थी नई दिल्ली बनी, उसी तरह से लखनऊ था अभी नया लखनऊ बन रहा है, और उस नए लखनऊ की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो देखेंगे फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, ये जो 3 रोड है, नगराम रोड है, ये 3 4 रोड के बीच में कोई ऐसा एरिया खाली नहीं बचा है जहाँ पे लोगों को निवेश करने का मौका ना उपलब्ध हो, और बड़े पैमाने पे लोग निवेश कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले हमने अपने एक रिलेटिव्स को जमीन दिलाया था, 500 रुपये स्क्वायर फीट दिलाया था 2 साल पहले, आज उसी जमीन की कीमत 1200 से 1400 रुपये स्क्वायर फीट हो गई है, यानी 2 साल में ही लगभग वो 2.5 गुना प्रॉफिट में वो जमीन आ गई है। और इस महंगाई और चरम अर्थव्यवस्था के को ध्यान में रखते हुए रियल इस्टेट के अलावा, जमीन से संबंधित के अलावा कोई भी ऐसा व्यवसाय मध्यम वर्ग के लिए नहीं दिखता है कि जिसमें वे निवेश करें, क्योंकि हम अपना पैसा अगर बैंकों में रखते हैं तो आज बैंकों को भी उतना यकीन नहीं है, बैंकों के ऊपर भी उतना यकीन नहीं है कि हमारा पैसा वहां सिक्योर है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बैंकों का एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा पैसे की वो सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। ये अलग बात है कि लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो दशा श्रीलंका की है, ऐसी दशा में भारत कदम रख चुका है, और हो न हो ऐसा भविष्य में कि बैंकें अपना हाथ खड़ा कर दें और कहें कि हमारी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की सिक्योर की जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, इससे ओवर की नहीं है, तो आपका पैसा जो है वहां पे जब्त हो सकता है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है,
जहाँ पे लोग अपने पैसे को समय पे नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा अगर निवेश का स्थान देखा जाए तो जो डेवलप होता एरिया लखनऊ है, इस लखनऊ में हम प्लाट में, मकान में या किसी भी जमीन संबंधित प्रोजेक्ट में हम अपना निवेश करते हैं तो वह 1.5 से 2 साल के अंदर कई गुना में हमारा निवेश रिटर्न के तौर पे आता है। क्योंकि सिद्धांत है, जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है वहीं रिटर्न होता है। जी अगर आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको लाइफ में रिटर्न नहीं मिल सकता। जी अगर हम बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा नहीं कहलाता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। अगर सही तरीके से आप बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन बच्चों के माध्यम से आपको रिटर्न मिलेगा, इसलिए उसको खर्चा नहीं कहा जा सकता। हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों तक हमारी आवाज़ जा रही है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उच्च एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, लखनऊ जैसे महानगर में स्थान के लिए, अगर वो आज से ही दिमाग लगाते हैं, आज से ही छोटी बचत करते हैं तो उनका भी सपना पूरा होगा। उनका भी आप अपना एक छोटा सा घर होगा जिसमें वो अपने बच्चों को रह करके महानगरों की शिक्षा अनुकूल वातावरण में दे सकते हैं, और ऐसा करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अंबिका बिन जी। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न मिलता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा। आज की तारीख में देखा जाए तो बिहार राज्य से भी लोग आकर के लखनऊ में जो प्लॉटिंग है और जो भी जमीन से जुड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दिल्ली से आकर के लोग कर रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लखनऊ के अंदर स्पोर्ट की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा विराट कोहली जी का यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, और एजुकेशन फील्ड एक जो है इतनी बड़े पैमाने पे डेवलप हो रही है कि हब बनने वाला है यहाँ पर। और आपको बताया जाए कि यहाँ पर फिल्म सिटी का भी निर्माण कराया जा रहा है, और तमाम यहाँ पर जो है पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी विधानसभा है सब लोग यहाँ बैठते हैं, तो मीडिया का क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर जो है बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना, मेरे हिसाब से, हमारा अपना अनुभव कहता है कि कोई लॉस का प्रोजेक्ट नहीं है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरह की जानकारी आपको निरंतर VIP न्यूज पूरे के माध्यम से मिलती रहेगी। हम लोग फिर मिलेंगे आप लोग कहीं ना कहीं। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।